के सागर तथागत भगवान बुद्ध, करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा, नारी के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए बहुजन पार्टी के संस्थापक साहब काशीराम को अपना नमन करते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और मंच पर आसीन सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, गायक मंडली और मेरे माता पिता के समान तुल्य सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई बंधु और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम सब बाबा साहब की 127वीं जयंती मना रहे हैं। आप सभी को बाबा साहब के जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब के बारे में कुछ भी कहना मुझे ऐसा लगता है जैसे सूरज को रोशनी दिखाने के समान है। बाबा साहब दलितों के मसीहा, मैं उन्हें दलितों के मसीहा नहीं मानती क्योंकि वो पूरे दलितों के नहीं, पूरी मानव जाति के मसीहा थे। उन्होंने जो संविधान बनाया उससे पूरी मानव जाति का हित हुआ था। बाबा साहब हमारे देश के लीडर नहीं, पूरे विश्व के लीडर थे। उनकी जो समानता की सीख थी उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हम अपने लिए सब जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए जीते हैं, लेकिन बाबा साहब ऐसे इंसान थे जो हमेशा अपने दलित समाज के लिए जिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों के लिए संघर्ष करने में लगा दिया। मुझे बाबा साहब के इसी संघर्ष से बहुत प्रेरणा मिलती है। जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ तब मैं बाबा साहब को याद करती हूँ, उससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। बाबा साहब का एक नारा था, शिक्षित बनो। आज उसी शिक्षा के दम पे बाबा साहब को सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में हर जगह यूनिवर्सिटी में उनकी तस्वीर मिलती है, बाबा साहब का सम्मान होता है। मेरी सभी भीम सैनिकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज जगह जगह मनवादी लोग राजनीति कर रहे हैं, दलितों पे अत्याचार कर रहे हैं और बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब अपने हक और आरक्षण की रक्षा के लिए और बाबा साहब की अनुपम कीर्ति संविधान के लिए संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। मुझ पर तो बाबा साहब का बहुत बड़ा एहसान है। मेरे लिए तो बाबा साहब एक भगवान के समान हैं, क्योंकि आज जो कुछ भी मैं यहाँ पर हूँ, इस मंच पर सम्मानित हूँ और आपके समक्ष हूँ, ये सब बाबा साहब की देन है। हम सभी को बाबा साहब के संविधान का रक्षा करनी है और संविधान का सम्मान करना है। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।